Aga, Sumi, सीजर। पिलो कवर बनाने के लिए हमें चाहिए कुशन का कपड़ा। कपड़ा का लंबाई 24 इंच, कपड़ा का चौड़ाई 24 इंच, डिजाइन के बाद 14 इंच बाय 14 इंच का पिलो कवर बनेगा। ये बॉक्स 1 इंच बॉक्स। चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम बताते हैं। पेपर है, इसको इस तरह से नहीं रखना है, इसको इस तरह से हम रखेंगे। जिस तरह हम पेपर को रखे हैं इसी तरह हम कपड़े पर भी ड्रॉ बनाएंगे। इसको इस तरह से, इसको इस तरह से इसे घुमा लेंगे। इस कोनों से इस तक इस तरह से लाइन बनाएं, फिर इसको इसे इसी तरह से इधर से एक लाइन यहाँ खींचा, फिर इधर से इस तरह से 1, 2, 3 बॉक्स हो गए। फिर यहाँ 2 इंच छोड़ना है। इसी तरह इधर भी छोड़ना है। फिर जैसे यहाँ पर मैं ये लाइन बनाई हूँ उसी तरह यहाँ भी लाइन बनाऊंगी। इसी तरह से हम कपड़े पर भी ड्रॉ कर लेंगे। अब फिर इसको इस तरह से इधर से हम फिर इस कोनों से इस कोने तक ऐसे ध्यान रहे ये इतना इधर जितना मैंने छोड़ा इधर भी उतना ही छोड़ना है। ये लाइन मैंने इधर से खींच ली, फिर इधर 2 इंच छोड़ना है, 2 इंच इस साइड भी। जिस तरह यहां मैं बनाई हूँ उसी तरह यहां भी बॉक्स बना लेंगे। इधर भी 2 इंच छोड़ना है। जिस तरह यहां मैं बनाई हूँ उसी तरह इधर भी बना लेंगे। देखिए हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया और इसको इस तरह से ऐसे
इसमें मैंने लाइन खींचा, फिर एक को छोड़ा, ये बीच वाले को हम छोड़ देंगे, फिर इसमें इस तरह से खींचा, इसी तरह से हम सभी में बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से हम कपड़े पर भी ड्रॉ कर लेंगे। याद रहे कि हमने कपड़ा को इस तरह से रखना है जैसे मैंने रखी हूँ, इसी तरह से रखना है। देखिए जिस तरह हम कपड़े पर ड्रॉ की हूँ उसी तरह यहाँ भी ड्रॉ है, इसी तरह हम कपड़े पर ड्रॉ कर लेंगे। ये जो बॉक्स है ये 2 इंच, ये 2 इंच, जैसे यहाँ पर ये 2 इंच, ये 2 इंच के इधर से भी हम छोड़ना है। इसी तरह हम कपड़े पर कर लेंगे और कपड़े 24 इंच स्क्वायर होनी चाहिए। देखिए इस तरह से कपड़े को भी हम ऐसे रखेंगे। देखिए फर्स्ट में एक है, एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ एक दो तीन, फिर एक, इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमने कपड़े पर इस तरह से डायग्राम बना ली हूँ, इस तरह से इसको हम इस प्रकार से चारों कोनों को ऐसे इस तरह से सिल लेंगे। देखिए
इसी तरह इसको भी सिल लेंगे। देखिए सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे और इधर इस तरह से, इसी तरह से हम सभी को सिल लेंगे। जितने ये डायग्राम बनी हुई है ये इसको सभी को सिल लेंगे। देखिए मैंने सबको सिल ली हूँ, इस तरह से दिखेगी उल्टा की साइड और सीधे की साइड इस तरह से दिखे। अब हम इसे इस तरह से सिलाई करेंगे, ये जो है इसको छोड़ देंगे, ये फोर जो है इसको छोड़ करके इस ये कोने वाले को इस तरह से सिल लेंगे। देखिए इस तरह से सिलने, फिर ये फोर को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, फिर इसको इसी तरह से इसको ऐसे करके सिलना है। ये जो है ये इसको छोड़ना है, फिर इसको इस तरह से सिलना है। ये जो है इसी तरह से हम सिल लेते हैं। देखिए हमने सिल ली है इसको इस तरह से, ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है, इस तरह से दिखेगी। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं और नहीं तो हम ऐसे बनाएंगे, इसको इस तरह से निकाल लेंगे करके। ये जो है ना इधर इसको इससे इस तरफ की ओर बाहर की ओर निकाल लेंगे। देखिए हमने इसको बाहर के ओर निकाल ली हूँ। अब इसको क्या करना है, ये जो है इसको इस तरह से सिलेंगे। फिर इसको ऐसे दिखेंगे और इसके ऊपर मोती लगाएंगे। इसी तरह से सभी को सिल लेंगे जितने फ्लावर हैं, ऐसे करके और मोती लगा लेंगे।
से सिल लेंगे और इसके ऊपर इसी तरह से हम सभी पे सभी को सिल लेंगे और मोती लगा लेंगे। देखिए हमने मोती लगा ली हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह से टक स्पिन लगा लेंगे और सिलाई कर लेंगे। इसको इस तरह से सिल लेंगे। इसको इस तरह से घुमा लेंगे। तो यहाँ इस तरह से ढक्कन लगा देंगे। ये कपड़ा जो निकला हुआ है इसको हम काट करके काट लेंगे। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।